नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 तक बिहार। जो की बड़ी खबर आ रही है कि सीवान में 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बना रहे थे अपराध की योजना, चढ़े पुलिस के हत्थे। मामला हुसैनगंज थाना क्षेत्र का। सीवान में पुलिस ने 3 अपराधियों को अपराध की योजना बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया है। यह पूरा मामला हुसैनगंज थाना क्षेत्र का है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि हुसैनगंज थाना की पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि बघौनी गांव के मुखिया के घर पर कुछ बाहर के अपराधी जमा हुए हैं, जो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। तभी सूचना पर विशेष टीम का गठन कर मुखिया ज्योति देवी पति स्वर्गीय विश्वकर्मा बीन के घर पर पुलिस ने छापेमारी की, तो पुलिस की सूचना पाकर मुखिया के घर से निकलकर 3 व्यक्ति भागने लगे, जिसे पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। तलाशी लेने पर तीनों व्यक्तियों के पास अवैध हथियार एवं गोलियां बरामद हुई हैं। पकड़े गए अपराधियों ने बताया कि मुखिया पति विश्वकर्मा बीन के साथ मिलकर हम लोगों ने जिले के विभिन्न जगहों पर पूर्व में कई अपराधी घटनाओं को अंजाम दे चुका है और इनके घर पर हम लोगों का हमेशा आना जाना रहता है। आज भी हम लोग किसी लूट की घटना को अंजाम देने यहां आए थे, जो कि पकड़े गए अपराधी अंगद मिश्रा ने बताया कि 10-12 दिन पूर्व गोपालपुर रोड में मोटरसाइकिल लूटने के क्रम में अपने साथी अजीत कुमार के द्वारा फायर किए गए थे, जिसमें गोली मुझे ही लग गई थी, जिसमें मैं जख्मी था। अभी सही नहीं हुआ है जख्म, इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि कुल 3 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। अपराध की योजना बनाते हुए जिन 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनका नाम विक्रमजीत गुप्ता उर्फ जिगना, पिता बलदेव प्रसाद, जो मखदूम सराय सीवान का रहने वाला है। वही दूसरा अंगद मिश्रा, पिता सुभाष मिश्रा, जो हरदिया गांव पचरुक्की थाना का रहने वाला है। वही अजीत कुमार उर्फ अमर, पिता स्वर्गीय जयप्रकाश, जो बरौली थाना आंध्र का रहने वाला बताया जाता है। आपको बता दें कि इन लोगों के पास से 1 9 mm का पिस्टल, 2.5 mm का देसी पिस्टल, 1 315 बोर का देसी कट्टा, 1 9 mm का जिंदा गोली 3 और 7.65 mm का जिंदा गोली 3, वही 315 बोर का जिंदा गोली 1 बरामद हुआ है। आपको बता दें कि पकड़े गए विक्रमजीत गुप्ता एवं अंगद मिश्रा पर पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अमर भरौली थाना आंदर के रहने वाले सभी अपराध कर्मियों का विस्तृत आपराधिक इतिहास है, जो आपको प्रेस ब्रीफ में भी दिया गया है। सभी हत्या लूट डकैती के कांड के पहले से अवांछित अपराधकर्मी रहे हैं और उपस्थित हैं, और इन लोग की अभी लगातार सूचना मिल रही थी कि क्षेत्र में अपराध करने के लिए काफ़ी सक्रिय हैं, तो कल इसके आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है और इन तीनों की गिरफ्तारी हुई है। इसे गिरफ्तारी से निश्चित रूप से अपराध नियंत्रण में काफ़ी पुलिस को सहयोग प्राप्त होगा। बस।